आलमी बैंक कह रहा है कि यही वक्त है वक्त तकाजा कर रहा है कि आप अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लेकर आए देखें एक तरफ तो उन्होंने ये बात की है कि आप अशराफिया के मफाद का तहफुज करते हैं आपने असल बात नहीं उसमें पढ़ी उन्होंने कहा है कि साढ़े बारह करोड़ लोगबत के शिकंजे में हैं और एक गैर जानेबदार सर्वे रिपोर्ट आज छपी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि गुजशत डेढ़ माह के अंदर सफ़ेद पोश तबक में से नौ फीसद लोग ऐसे हैं जो वो भी ख़त गुरबत से नीचे चले गए तो बात यह के ये, ये सारी सूरत कि आपको आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक बता रहा है और जिनके करने का काम है ये दुरुस्त कहा गया कि करने का काम किन का हम यहाँ पर जो बात कर रहे होते हैं कि जिन हुकूमतों को हम मुंतखब करते हैं जिन हुकूमत से हम तो वो लगाते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर आकर इनके आप कभी मंशूर पढ़ के देखें इतने सुहाने मंशूर हैं कि हम पाकिस्तान में बरसे अकतदार आएंगे और सियासत में तब्दीली ले के आएंगे नौजवानों को बड़ा रोल मिलेगा एक करोड़ नौकरियाँ मिलेंगी पचास लाख घर मिलेंगे इंतजाम असलाहत करेंगे अक्सर करने के काम ये हैं और ये बात वो दुरुस्त कह रहे हैं ये तो ठीक है शाफिया का लफज नहीं क्मरान तबका ठीक है और उनपे मैंने कल भी कहा था कि बिजली पेट्रोलियम और गैस अगर किसी को इसकी कीमतें महसूस नहीं ना हो रही तो आप सौ फीसदी वो लोग हैं जो खुद इसके बिल पे नहीं करते जो पेट्रोल खुद नहीं डलवाते exactly. और यही वो तबका और ये अरबों खरबों का मामला है साढ़े सत्रह अरब डॉलर के बारे में एनडी में वो जो रिपोर्ट आई है, है कि ये सिर्फ आपकी शाफिया की मराहत पर खर्च होता है लेकिन अब भी दुरुस्त फैसले ना लिए तो कब लेने हैं डॉक्टर के बाद स्टे